हेलो फ्रेंड, आज हम लॉस ऑन ड्राइंग मेथड का उपयोग करके मॉइस्चर कंटेंट कैसे निकालते हैं इसका वीडियो देखेंगे। इसके लिए हमें डिजिटल वेइंग मशीन, क्रूसिबल और क्रूड ड्रग सैंपल की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमने खाली क्रूसिबल को वे कर लिया है, जिसका वेट अबाउट 69.87 ग्राम आया। इसे हमने एक पेपर पे एम्प्टी क्रूसिबल का वेट करके लिख लिया है। एम्प्टी क्रूसिबल का वे लेने के बाद हम डिजिटल वेइंग मशीन को टियर सेट करेंगे, जिससे इसकी रीडिंग 00 पे पहले जैसी आ जाएगी। अब हमें गेवे सैंपल को, जो कि क्रूड ड्रग होगा, धीरे धीरे स्पैचुला की सहायता से इसे तब तक वे करना है जब तक इसका फाइनल वैल्यू 0.50 ग्राम तक नहीं आ जाता। हम धीरे धीरे स्पैचुला की हेल्प की सहायता से इसका वे निकालते हैं। हम स्पैचुला का निचला हिस्सा यूज़ कर रहे हैं और बड़ी सावधानी से धीरे धीरे क्वांटिटी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। क्वांटिटी को हमेशा थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही ट्रांसफ़र करना चाहिए, जिससे एरर होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि क्वांटिटी को धीरे धीरे इंक्रीज़ करना ज़्यादा आसान है कंपेरेटिवली क्वांटिटी ज़्यादा होने पे उसे धीरे धीरे रिमूव करने के लिए। हमने स्पैचुला की सहायता से क्वांटिटी को धीरे धीरे इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दिया है और हमारी वैल्यू अब धीरे से 0.50 ग्राम की ओर आ रही है। ये हमारी वैल्यू 0.50 ग्राम तक आ गई, मतलब हमने 0.50 ग्राम दिए हुए क्रूड ड्रग को या सैंपल को वे कर लिया है। अब हम फिर से इसे पहले की तरह अपने नोट पैड पर नोट कर लेंगे। ऐसे वेट ऑफ ड्रग टेकन इज इक्वल टू 0.50 ग्राम। अब वापस से टियर करने के बाद हम एम्प्टी क्रूसिबल प्लस सैंपल वेट दोनों को वापस से वे करेंगे और दोनों का टोटल वैल्यू हमारे पास आया है, दैट इज 70.37 ग्राम। इसे भी हम अपने नोट पैड पर फाइनल वैल्यू के रूप में 70.37 ग्राम नोट कर लेंगे। ये हमारा, याद रखिएगा, ये हमारा एम्प्टी क्रूसिबल प्लस सैंपल दोनों के वे का योग है। इसके बाद हम क्रूसिबल को एक चिमटे की सहायता से हॉट एयर ओवन में रख देंगे, जिसे हमने पहले से ही 100 to 105 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्री हीट किया हुआ था। हॉट एयर ओवन में रखने के बाद इसे हम 105 डिग्री मैक्सिमम तक सेट करके 15 मिनट के लिए रख देते हैं, जिससे इसका जो भी मॉइस्चर होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा। 15 मिनट बाद इसे वापस से बंद करके हम चिमटे की सहायता से इसे वापस निकाल लेते हैं। क्रूसिबल अभी बहुत गर्म होगा, इसलिए बड़े ध्यान से इसको निकालना होगा। क्रूसिबल को हॉट एयर ओवन से निकालने के बाद हम इसे एक ग्लास के डेसिकेटर में ट्रांसफ़र करते हैं। डेसिकेटर में ट्रांसफ़र करने के दो मेन रीज़न हैं। पहला ये कि वो रूम टेम्परेचर में ठंडा हो जाए। दूसरा जो कि महत्वपूर्ण है वो ये कि उसमें कोई एक्स्ट्रा मॉइस्चर बाहर से ना आए। ठंडा करने के बाद हमने उसका फिर से फाइनल वे निकाला और फाइनल वैल्यू आती है 70.34 ग्राम। अब हम इसी प्रोसीजर को बार बार तब तक रिपीट करेंगे जब तक गर्म करने के बाद उसका वेट कॉन्स्टेंटली पहले जैसा नहीं आ जाता। तो हमने यहाँ फ़िलहाल दो बार गर्म करके डेसिकेटर पे रखा है और डेसिकेटर में रखने के बाद हमने फाइनली इसको अगेन से वेट किया और आप देख सकते हैं कि हमारा वेट आया है 70.34 ग्राम, जैसा कि पहली बार वेट करने में आया था। तो हमारा वेट कॉन्स्टेंट हुआ, इसलिए हमें इसे नोट कर लिया एज अ 70.34 ग्राम आफ्टर ड्राइंग। अब हम कैलकुलेशन पार्ट की ओर आते हैं। हमारा कैलकुलेशन पार्ट इस तरह के पॉइंट में होगा। मॉइस्चर कंटेंट मतलब आपका हीट करने के पहले टोटल वैल्यू माइनस हीट करने के बाद टोटल वैल्यू, मीन्स 70.37 माइनस 70.34 ग्राम इज इक्वल टू 0.03 ग्राम। ये हमारी मटेरियल कांस्टेंट का रीडिंग आया है। अब हम फार्मूला की सहायता से इसको यूज़ करते हैं। इफ 0.50 ग्राम ऑफ क्रूड ड्रग कंटेन 0.3 ग्राम ऑफ मॉइस्चर, सो इफ 100 ग्राम ऑफ क्रूड ड्रग विल प्रोवाइड, दैट मीन्स 0.03 अपॉन 0.50 इनटू 100 इज इक्वल टू 6%। सो मॉइस्चर कंटेंट इज 6.0% इन आवर प्रैक्टिकल। सो फ्रेंड, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। Please do like, share and subscribe. Thank you.